कौन है पांच कन्याएं जिन्हें मिला था आजीवन कुंवारी रहने का वरदान? पौराणिक काल में कई ऐसी कन्याएं हुई जिन्हें ये वरदान मिला कि प्रेम बनाने के बाद भी कभी भी उनका कुंवारापन भंग नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि इतना बड़ा वरदान किन कन्याओं को मिला और क्यों? बता दें, सबसे पहला नाम आता है अहिल्या देवी का। माता अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। वो अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। इनकी शादी ऋषि गौतम से हुई थी। दोनों ही पति पत्नी वन में रहकर अपनी तपस्या पर ध्यान करते थे। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ पति की गैर मौजूदगी में छल से प्रेम किया था। लेकिन जब ऋषि गौतम को अनुभव हुआ कि अभी रात बची है और सुबह होने में समय है, तब वह एक बार फिर से आश्रम की ओर चले गए। लेकिन जब ऋषि आश्रम के पास पहुँचे, तब इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्रदेव को पहचान लिया। देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर ऋषि क्रोधित हो उठे और इंद्रदेव के साथ देवी अहिल्या को भी श्राप दे दिया, जिसके बाद देवी अहिल्या ने क्षमा याचना की और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार राम जन्म लेंगे, तब उनके स्पर्श से एक बार फिर से तुम्हारा उद्धार होगा। अगला नाम आता है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का। दरअसल मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। एक किसी और की नहीं बल्कि राक्षसराज मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। वहीं अप्सरा की पुत्री होने के चलते मंदोदरी अत्यंत खूबसूरत थी। वहीं पिता राक्षस कुल के थे, इसलिए वो आधी दानव भी थी। वहीं अगर मंदोदरी की शादी की बात की जाए तो महादेव के एक वरदान की वजह से ही उनका विवाह लंकापति रावण के साथ हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने महादेव से वरदान के रूप में मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान के साथ साथ शक्तिशाली हो, जिसके बाद उसका विवाह रावण से हुआ था, जिससे मेघनाथ, महोवर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर जैसे बलवान पुत्रों का जन्म हुआ था। पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मंदोदरी का कौमार भंग नहीं हुआ। दरअसल इन्हें चिर कौमार का वरदान प्राप्त था। इसके साथ ही अगली कन्या की बात की जाए तो अगला नाम आता है देवी तारा का। तारा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वह एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय यह फैसला हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है वह उसका पिता होगा, जिसके बाद ही बाली का विवाह तारा से हो गया। जब बाली के भाई सुग्रीव ने उसका वध किया था, उसके बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख पहुंचा था। जब तारा को ये पता चला कि बाली को छल से मारा गया है, तो उन्होंने श्री राम को कोसा और उन्हें श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उन्हीं के पति यानी बाली के हाथों ही होगी, जिसके बाद द्वापर युग में
श्री नारायण ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था उसके द्वारा हुआ था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पांडु की पत्नी कुंती। दरअसल कहा जाता है कि यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज ने उसी कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह कुंती अपने असली माता पिता से दूर हुई, जैसे कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहाँ ऋषि दुर्वासा भी आए थे। कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषिवर ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे सामने प्रकट होकर तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण के साथ साथ कुंती के और भी तीन पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। वहीं नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।